बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कीमा पार्सल, जिसको कीमे के बॉक्स पेटीज भी कहते हैं जी। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आ जाएं देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया ये जी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया, जिसको मैंने धो लिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी मिर्ची और चाट मसाला 1 1 टी स्पून, नमक आप हसबे जायका ले लीजिएगा, और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा लिया था मैंने यहाँ पे 1/2 टी स्पून के करीब। कीमे को मैंने धो के पहले से बता दिया था आपको, रख लिया था अच्छे से। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। कीमा मैंने 300 ग्राम लिया था, और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है हरी मिर्चों की जगह 1/2 प्याली, और 1 प्याली के करीब मैंने यहाँ पे बूरी फुल प्याज ले ली थी, जिसको चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे हम। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसके बाद हम इसमें जो कीमा है ये ऐड कर देंगे सारा। कीमा जो है मैंने 300 ग्राम लिया था, 300 ग्राम के करीब था ये कीमा। इसको अच्छे से पहले हम इसको तेल में फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। कीमा मैंने बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरा धो के अच्छे से इसका पानी बिल्कुल खुश कर लिया था, कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। अच्छे से पहले हम इसको फ्राई करेंगे तेल में, इसका कलर चेंज होने तक। देखिए इसका अच्छे से हमने करा, जब इसका कलर चेंज हो गया, इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने 2 स्पून जो लिया था वो भर के लिया था पूरा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें भून लेंगे ज़रा सा इसको। इसके बाद इसमें जो हम सारे स्पाइसेस जो है ऐड कर देंगे। अगर आप लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखी है। और बिल्कुल ये टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल थी, जो कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट था इसका। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, भून लिया इसको। अब इसके बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ढकूंगी। देखें अच्छे से मैंने ढक दिया था हाई फ्लेम पे इसको। इसके बाद इसको फिर मिक्स करेंगे। देखें अच्छे से बिल्कुल ये मतलब जो उसका तेल था वो ऊपर आ गया हल्का हल्का सा। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट ऐसे ही भूनूंगी। इस तरह से हमने इसको भून लिया। उसके बाद ये जो प्याज ली थी मैंने फुल प्याली जो ली थी मैंने, इसको मैंने 1/2 प्याली ऐड करूँगी। ये 2 अदद प्याज थी बड़ी, और मैंने पहले पूरी डाली, पूरी नहीं डाली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने थोड़ी इसमें रोक ली थी। और ये 1/2 प्याली यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ऐड करी है इसमें। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं इसके, आपको अगर ज़्यादा मिर्ची अच्छी लगती हैं तो। इसके बाद हमने इसमें धनिया जो है हमने वो भी ऐड कर लिया इसी पॉइंट पे। सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब हम इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, मिक्स करेंगे। हमें इसको प्याज को बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुरझाए ना प्याज, हल्की सी सिर्फ इसमें मिक्स हो जाए। ये इतना गर्म होता है, गर्म होगा कि इसमें ही हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ऑयल जो है बिल्कुल मतलब खुश्क हो चुका है इसका भी, और ये पूरा रेडी है अभी। इसको अच्छे से बस मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो होता है, जो बिल्कुल दम पे नहीं रखते, उस फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि प्याज जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से बस मुरझाए ना, बस नॉर्मल सी हो जाए। मैंने इसको पैन में से निकाल के एक बाउल में ठंडा कर लिया था, और ठंडा करके इसके बाद इसमें मैंने आटा और पानी लेके इसकी वो बना ली थी, पतली सी बिल्कुल
जो लही बनाते हैं वो बना ली थी। ये पेस्ट सा बना लेगा बिल्कुल पतला सा। और ये जो है मेरे पास समोसे की पट्टियाँ हैं जो जिसके मैं पेटीज बन जिसके मैं पार्सल बनाऊंगी। अब हम चले रेडी करते हैं पार्सल और फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा है प्लस के निशान बना के इस तरह से हम रखेंगे। इसके बाद आप इसमें जो है हमने जो फिलिंग तैयार करी थी वो हम इसमें अब अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे सारी। अब फिलिंग हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा बिल्कुल लगाएंगे। यार जो पेस्ट है हमारा इसका ये लगा के अब इसको फिर फोल्ड करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर हम इसको दूसरी तरफ लगाएंगे दोबारा से इसको फिर फोल्ड करेंगे। अच्छे से हमने इस पर लगा लिया। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह करके हम जो है अपने सारे तैयार करेंगे। आप लोग देख लीजिए मैं किस तरह लगा रही हूँ। जी इस तरह से हम करके अब अपने तैयार कर लेंगे सारे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से बिल्कुल आप एज इट इज करेंगे तो आपका बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। देखिए ये हमारा एक रेडी हो चुका है। अब इस तरह से करके दूसरा भी रेडी करके एक दफ़ा आपको मैं दिखा देती हूँ। हमें इसी तरह से फीलिंग रखनी है कि वो अच्छे से मतलब चारों तरफ आ जाए यानी कि बीच बीच में हो। जी इस तरह से हमने अपना दूसरा भी पार्सल जो है वो रेडी कर लिए। और अब इस तरह से करके हम सारे रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये भी रेडी हो चुका है। इस तरह से एक एक करके आप अच्छे से सारे तैयार कर लें। और इसको अच्छे से हमने स्टिक करना है, अच्छे से हमें लगाना है इस पर बिल्कुल कि ये बिल्कुल कहीं से ऑयल ना जाए इसमें। देखिए मैंने अपने सारे रेडी कर लिए। अब मैं आपको फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ। जी ये मैं फ्राई कर चुकी हूँ। देखना हम इसका लुक फाइनल लुक इसका कैसा है। बिल्कुल हमें लाइट ब्राउन गोल्डन से बिल्कुल इसको फ्राई करना है। इसको हम केचप मायनीज इसके साथ भी चाहे आप इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही मज़ेदार थे। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को मुझे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हुए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाएगा ताकि सबसे पहले मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।